हेलो क्लासिक्स, देखिए बेटा फाइबर टू फैब्रिक जो है, ये फाइबर टू फैब्रिक जो है चैप्टर वही चल रहा था और वो फिनिश भी हो गया ना। जो चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक, ये वाला चैप्टर जो है ये चल रहा था, ये फिनिश भी हो गया था। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चंस देखते हैं। एक मिनट बेटा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ है और सोल्यूशन यहाँ से है, ठीक है। पहले हम वहाँ से देखते चलते हैं। देखिए ये कुछ पांच आइटम्स दिए हुए हैं, इनको आपको नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में डिवाइड करना। यू हैव टू डिवाइड दीज इन द इन टू व्हाट नेचुरल एंड, ये नेचुरल की जगह न्यूट्रल लिख दिया इसमें, इसको सही कर लीजिएगा, नेचुरल होगा, ठीक है ना। यहाँ कुछ गलत हो गया, न्यूट्रल लिखा हुआ, ये नेचुरल होगा, ठीक है ना। तो इसको नेचुरल और सिंथेटिक में डिवाइड करना। तो नाइलॉन है, वूल वन है, सिल्क है, पॉलिएस्टर है और जूट है। तो इसमें अब देखिए नीचे आके देखते हैं, सब बताया हुआ मैंने। देखिए नेचुरल फाइबर में जो ऊन होता है वो एनिमल से मिलता है, तो क्या होगा, नेचुरल कॉटन, प्लांट से, सिल्क वॉर्म से, जो सिल्क वॉर्म होते हैं वहाँ से, तो ये सब नेचुरल नेचर से मिलता है ना। अभी जूट भी नेचर से मिलता है, लेकिन नायलॉन जो हम बनाते हैं वो कहाँ से है, वो सिंथेटिक है। पॉलिएस्टर जो हम बनाते हैं तो वो सिंथेटिक है। तो ये इधर नेचुरल और इधर सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है ना। दूसरा है, अब इसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, अभी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या होगा ये, ट्रू की फॉल्स, ट्रू होगा। यार्न से फाइबर बना, सॉरी फाइबर से यार्न बनाते हैं, और फाइबर से पहले यार्न बनाते हैं और फिर इस यार्न से हम क्या बना लेते हैं, फैब्रिक, ठीक है ना। तो ये ट्रू है, ओके। दूसरा देखते हैं, स्पिनिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, जो स्पिनिंग है वो फाइबर बनाने का प्रोसेस है, ये फॉल्स है। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना, स्पिनिंग फाइबर बनाने का प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, जूट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो बाहर वाला पोर्शन तो वही जूट है, ये भी क्या है, गलत है। जूट का अलग ही कल्टीवेशन, देखिए फॉल्स सी वाला, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं बेटा, सॉरी चौथा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। कॉटन, हाँ सॉरी, सीड को निकालना कॉटन से ही गिनिंग कहलाता है। तो ये देखते हैं सही कि गलत है, ये ट्रू है, ठीक है ना। गिनिंग कहलाता है सीड को अलग करना कॉटन से, ठीक है ना। एक सेकेंड, ABCDEF, और इधर कितने हैं, ABCG कहाँ से आ गए इसमें, दूसरे क्वेश्चन में जी कहाँ से आएगा, चलिए होगा कुछ, ठीक है ना। फिलहाल वहाँ तक देखते हैं, ई देखते हैं, ई डी तक हो गया, ई देखते हैं। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक, यार्न को अगर वेव करेंगे तो फैब्रिक बनाएगा कि नहीं बनाएगा, फॉल्स है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ट्रू होगा ना, जब यार्न को करते हैं तो तभी तो फैब्रिक बनता है, ठीक है ना। निटिंग करते हैं उसके तभी तो फैब्रिक बनता है। ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किया था ऊपर, ये ऊपर नीचे करने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ ठीक है, देखो वेविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक, ऑब्वियसली इट्स ट्रू। हमने देखा था वेव करते हैं जब यार्न को, छोटे छोटे जो यार्न होते हैं उनको वेव करते हैं आपस में, तो क्या फैब्रिक तैयार होता है ना। सबसे लास्ट देखते हैं, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट, गलत है ये। अभी हमने कहा क्या कहा था कि सिल्क कहाँ से मिलता है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये निकलता है कहाँ से, सिल्क वॉर्म से, तो एनिमल है तो ये प्लांट से नहीं होता है, तो ये फॉल्स होना चाहिए। एफ वाला देखते हैं, देखिए एफ वाला फॉल्स है। तो यही पांच था, ये अलग से पता नहीं क्या है, ये इसको रहने दीजिए आप, ठीक है ना। इसको आप रहने दीजिए, जी हो सकता रहा हो बुक में, रहा हो यहाँ में, दिख ना रहा हो, तो अगर है तो मैसेज करिएगा, इसको मैं बता दूंगा। रीजन सबका समझ में आ गया ना आपको, पाँचों क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, ये बात आपको समझ में आ गई, क्यों कौन सा ट्रू है आपको क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, ठीक है ना, ओके। तो अब आगे देखते हैं। ट्रू फॉल्स वाला हो गया, मतलब दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा देखते हैं।
अब फिल इन द ब्लैंक्स है तो ऑब्वियसली ये तो आसान है। तीसरा ए, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन एंड जूट, ठीक है ना, कॉटन एंड जूट से प्लांट फाइबर हमें मिलता है। और एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड वूल, ऊन भी हमें एनिमल से मिलता है, सिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, तीन हो गया ना, चौथा देखते हैं। फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, कॉटन और जूट पौधे के किस भाग से मिलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, कॉटन जो मिलता है वो फ्रूट से मिलता है और जूट जो मिलता है वो स्टेम से मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप ध्यान रखिए कि जो कॉटन होता है वो पौधे के किस पार्ट से मिलता है, तो फ्रूट से मिलता है। जो कॉटन का फल आएगा उस वही कॉटन हो जाता है, कॉटन मिलता है, ठीक है ना। और जूट क्या होता है, उसका जो तना होता है स्टेम वो होता है, वहाँ से मिलता है। समझ में आ गई बात, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, कॉटन फ्रूट से और जूट स्टेम से। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, नेम टू आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, कोकोनट फाइबर से जो दो कुछ कोई आइटम बताइए जो इनसे बने होते हैं। देखिए, बैग्स एंड रोप, बैग ही बनता है और रस्सी ही बनती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें लर्न हो जानी चाहिए आपको, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। छठवां क्वेश्चन, और स्पेशली ये सारी चीज़ें कि कॉटन किस, ये चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि प्लांट सॉरी कॉटन किस प्लांट के किस पोर्शन से या किस पार्ट से निकलता है और जूट किस पोर्शन से निकलता है, ठीक है बेटा। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बच्चों डिस्कस कर लिया अभी हमने, बैग और रोप देखा, बैग्स एंड रोप। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यार्न कैसे बनाएंगे फाइबर से। देखिए क्या है ये, पहले तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स आर फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वे आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। वही जो हमने बताया था कि निकालते हैं वहाँ से मास से और उसको ट्विस्ट करते हैं, उंगलियों में लपेट के हाथ को रोटेट करते हैं, बताया था मैंने क्लास जब हम डिस्कस करते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न, वो पतले पतले फाइबर को एक में मोड़ के क्या बना देता है, एक इस टाइप का कुछ यार्न बना देता है। ऑफिस इस यार्न को वेव और निट करके हम क्या बनाते हैं, कपड़े फैब्रिक बना लेते हैं। तो ये तीन प्रोसेस था, बस समझ में आ गई। चलिए, ये चैप्टर फिनिश हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर डालते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।